हेलो बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं रोलिंग मोशन। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रोटेशनल मोशन। तो आप लोग ध्यान से देखना इसमें क्या क्या चीजें अप्लाई होती हैं। तो बच्चों, रोलिंग का मोशन है, इसका मतलब हुआ बॉडी की वेलोसिटी भी है, लीनियर वेलोसिटी प्लस बॉडी रोटेट भी कर रहा है, दोनों है, दोनों का कंबाइंड चीजें हमारे पास है, तो इसी को बोलते हैं रोलिंग। दिस इज वी, दिस इज ओमेगा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रोलिंग। रोलिंग के टाइम क्या होता है बच्चों, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है ना वो रेस्ट पे होता है, ऑन द सर्फेस, वो स्लाइड नहीं करता, रेस्ट पे होता है। तो इसके लिए हमारे को ये रिलेशन याद रखना है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है। तो इस पे बेस्ड एक छोटा सा डेरिवेशन है क्लास 11th में, एक्सेलरेशन ऑफ द रोलिंग ऑब्जेक्ट। हमारे पास क्या है कि एक इंक्लाइन प्लेन है ऐसा, इसमें एक गोल सा ऑब्जेक्ट है। ये गोल सा ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, रिंग, सिलेंडर, स्फेयर, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी एक्सेलरेशन डिराइव करनी है, इंक्लाइन प्लेन की इंक्लिनेशन थीटा है। तो लॉज ऑफ मोशन में हम लोग देख चुके हैं, डाउन द प्लेन क्या लगता है, एम जी साइन थीटा, एंड दिस इज योर व्हाट, एम जी कॉस थीटा, दिस इज योर कॉन्टैक्ट फोर्स बाय द सर्फिस, और इधर जो फ्रिक्शन है वो इधर लगेगी, इसमें तो कोई डाउट होनी नहीं चाहिए। तो हम लोग एक्सिस पहले डिफाइन कर लेते हैं। एक्सिस क्या होगा, एक्सिस होगा जो इसके सेंटर से पास कर रहा है, ओ से पास कर रहा है, दिस इज द एक्सिस। और एक्सिस ये जो है, एक्सिस हो गया, तो इस एक्सिस से तीन फोर्सेस पास कर रहे हैं, एक तो एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा और आर, यानी कि दीज थ्री फोर्सेस कैन नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क अबाउट दिस सेंटर, क्योंकि तीनों ही एक्सिस से पास कर रहे हैं। कोई भी फोर्स अगर एक्सिस से पास करे तो उस एक्सिस के बाद में टॉर्क लग ही नहीं सकता, लेकिन फ्रिक्शन इज नॉट पासिंग थ्रू दैट एक्सिस, फ्रिक्शन तो बॉटम में कहीं पे लग रहा है, राइट। और रेडियस क्या है, आर है, यहां से यहां तक। तो ये जो टॉर्क लगाएगा वो फ्रिक्शन टॉर्क यहां लगा सकता है। तो यहां हम टॉर्क और फोर्स दोनों की बातें करेंगे। तो लीनियर, क्योंकि रोलिंग में तो लीनियर भी है और रोटेशन भी है, दोनों है। तो अगर मैं लीनियर फोर्स की बात करूं तो जो हम पहले करते थे वैसे ही लिखेंगे, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए, ये हो गया डाउन द प्लेन के लिए। फोर्स की बात तो हो गई, अब टॉर्क की बात करें तो सेंटर के अबाउट में टॉर्क सिर्फ फ्रिक्शन लगाएगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर इंटू फोर्स, दैट इज इक्वल टू आई अल्फा। बाकी एक रिलेशन और है मेरे पास, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, फ्रिक्शन इज इक्वल टू अल्फा को मैं रिप्लेस करने वाला हूं ए बाय आर, ये आर नीचे आ जाएगा, सो फ्रिक्शन आई एम गेटिंग आई ए बाय आर स्क्वायर, इसको यहां मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं, सो आई एम गेटिंग एम जी साइन थीटा माइनस आई ए बाय आर स्क्वायर, That is equal to ma, ठीक है। अब इस टर्म्स को आगे ले जाओ तो क्या मिलेगा मुझे, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू ए कॉमन एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर, ये तो मुझे क्या मिला, एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए, सो दिस इज द एक्सेलरेशन। अब यहां पर मान लो कि सिलेंडर है, तो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे को पता है, एम आर स्क्वायर बाय टू यहां डाल देंगे तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर। मान लो दूसरे केस में कोई रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर यहां डाल सकते हैं, तो रिंग का एक्सेलरेशन आ जाएगा, किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन आ सकता है, ठीक है। तो एग्जाम में सिंपल पूछा जा सकता है डिराइव द फॉर्मूला, तो डिराइव कर देंगे, या फिर क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ सकता है, वी आर रोलिंग अ डिस्क एंड अ सिलेंडर एंड अ स्फीयर which will reach at the bottom earliest, कौन पहले पहुंचेगा बॉटम में,
तो एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे, जिसके ज्यादा एक्सेलरेशन जल्दी पहुंच जाएगी, है ना। बहुत तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी मेन डेरिवेशन, आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स के लिए भी और डेरिवेशन के हिसाब से भी। ठीक है बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन। कभी कभी रोलिंग में हमारे पास ऐसे भी केसेस मिलते हैं कि वन बॉडी इज रोलिंग फ्रॉम सम हाइट, और आपको बोला जाएगा कि फाइंड द वेलोसिटी व्हेन इट रीचेज एट द बॉटम, राइट। इस तरह के चीजों को कैसे डील करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। सपोज कोई हमारे पास ऐसा ट्रैक है, दिस इज अ ट्रैक एंड दिस इज योर सॉलिड बॉल। क्या है? सॉलिड बॉल। ये फ्लैट हो गया, यहां पे सरफेस आकर फ्लैट हो गया। इसकी हाइट हमारे पास h है और हमारे को बोला गया है कि बॉल इज रोलिंग, फाइंड वेलोसिटी एट द फ्लैट सरफेस। ऐसा ये रोल कर रहा है, यहां इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये हमारे को फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे लगाने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर हाइट एच पे बॉल यहां से रिलीज किया गया है, मींस यहां पे ओनली पोटेंशियल एनर्जी होगी और इस सरफेस पे पोटेंशियल तो जीरो हो गया, फ्लैट सरफेस पे आ गया। एंड यहां पे दो काइनेटिक एनर्जी होगी, एक तो लीनियर मोशन वाला, दूसरा रोटेशनल वाला काइनेटिक एनर्जी। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैं इस पोजिशन का नाम ए दे रहा हूं, यहां पोजिशन का नाम बी दे रहा हूं। सो एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट बी। ए पे कितनी एनर्जी होगी? एम जी एच। और बी पे कितनी एनर्जी होगी? हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये बॉल रोल कर रहा है। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमारे को पता है, वी कैन पुट इट हियर। और रोलिंग के केस में मैंने आपको बताया था वी कैन अप्लाई v इज इक्वल टू r ओमेगा इन दिस केस। तो मैं ओमेगा को रिप्लेस कर रहा हूं क्योंकि मेरे को सिंपल वेलोसिटी बोला गया है। जब भी सिंपल वेलोसिटी बोला जाए दैट मींस वी सपोज टू फाइंड लीनियर वेलोसिटी v। तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग? एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 2/5 एम आर स्क्वायर, ओमेगा हो जाएगा वी बाय आर। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं बस, और तो कुछ करना नहीं है। सो वी स्क्वायर इज कॉमन, एम बाय टू, टू टू तो गया, और यहां पे मुझे मिल जाएगा एम बाय फाइव। दिस वन एम 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 भी गया, ये हो गया 10 जी एच अपॉन 7 अंडर रूट। दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन द बॉल रीचेज ऑन द फ्लैट सरफेस। ठीक है बच्चों, ध्यान में रख लो। अब ये कोई फॉर्मूला नहीं है, अब ये मैं समझना कि फॉर्मूला है, दिस इज अ वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट। हो सकता है बॉल चेंज कर जाए, सिलेंडर आ जाए, तो उसके लिए मेरे को आई वहां डालनी पड़ेगी। ठीक है, बॉल्स कैन चेंज, फिगर कैन चेंज, कॉन्सेप्ट कैन नेवर बी चेंज्ड, कॉन्सेप्ट रिमेंस सेम। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों।